हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मास फूड कॉर्नर। फ्रेंड्स, अभी बढ़िया बढ़िया आम आ रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पे मैं एकदम यम्मी टेस्टी आम पाक की रेसिपी और मैंगो बर्फी की रेसिपी लाई हूँ, जो कि थोड़े से चॉकलेट के स्वाद मैंने उसे ट्विस्ट किया है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ 15 मिनट के अंदर और घर में रखे सामान से ही बन जाएगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो इसे आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के और ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए बनाते हैं हमारे यम्मी यम्मी मैंगो पाक और मैंगो स्वीट। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक भारी तले वाली कढ़ाई गैस पर रख दी है और उसमें करीब आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, करीब 600 मिलीलीटर दूध ले लिया है। और हमारा दूध बॉयल हो रहा है, तब तक हम एक अच्छा पका हुआ बड़ा आम लेंगे और इसको अच्छे से हम छील के और इसके पीसेस कट कर लेंगे। इसकी हमें प्यूरी बनाना है। ये आम करीब करीब पाव भर का नहीं 400 ग्राम का तो हो गई होगा, तो इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। और एक मिक्सी के जार में हम जो है हमारे आम के टुकड़ों को अच्छे से पीस लेंगे। इसमें हमें कुछ भी डालना नहीं है, ऐसे ही सिर्फ आम को ही पीसना है। और इसकी हम प्यूरी बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देख सकते हैं, हमारी प्यूरी बनकर रेडी हो गई है। अभी हमारा दूध भी बढ़िया बॉयल हो रहा है, इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बॉयल करेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे बढ़िया। और इसमें फ्रेंड, हम मावे का टेक्स्चर देने के लिए यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मिल्क पाउडर हमारे घर में अवेलेबल रहता ही है और इसमें मिलावट का भी कोई चांस नहीं होता है, तो मैं ज़्यादातर मेरी मिठाइयों में मिल्क पाउडर डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से भर के करीब 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल दिया। इससे बहुत यम्मी टेस्ट आएगा हमारे आम पाक का और मैंगो स्वीट का। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और दूध को गाढ़ा होने देंगे बढ़िया। और उसके बाद यहाँ पर मैं करीब 1.5 टेबल स्पून शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर बस हमें 1.5 टेबल स्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम इसमें चॉकलेट और आम भी ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ 1.5 टेबल स्पून शक्कर ही यहाँ डाली है। और दूध को उबलने देंगे। और यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट जो है वो ले ली है, ये करीब 4 से 5 टेबल स्पून होगी। आप कम भी डाल सकते हैं या फिर चॉकलेट के बिना भी ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट को थोड़े से टुकड़ों में कट कर लिया है और ये हमारा दूध गाढ़ा हो गया है अच्छे से, 7-8 मिनट हो गए इसे उबलते हुए। अब हम उसके बाद जो हमारी मैंगो प्यूरी हमने रेडी करके रखी थी वो हम सारी डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। और 2 मिनट के लिए हम सिर्फ प्यूरी डाल के ही पहले पकाएंगे इसे, ताकि अच्छे से ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाए और थोड़ा सा हमारा आम पाक जो है गाढ़ा भी हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमने चॉकलेट को कट करके रखा था वो हम इसमें डाल लेंगे। आप चाहें तो चॉकलेट थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही डालें, बाकी इससे टेस्ट अच्छा आया था इतनी डाली थी तो मैंने, तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी है। अब इसे अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे हमारी चॉकलेट को, और बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाएगी क्योंकि गर्म है मिश्रण। और ये एकदम टेस्टी हमारा जो है बिल्कुल मिश्रण रेडी हो चुका है, अच्छा गाढ़ा भी हो चुका है ये। इसे पकते हुए करीब करीब 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब बस इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर कर लेंगे। और उसके बाद आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख के ठंडा भी कर सकते हैं। और ये मैं नॉर्मल टेम्परेचर का बाउल में निकाल के आपको बता रही हूँ, जो कि हमारा चॉकलेटी आम पाक है, ये रेडी हो गया है बिल्कुल। इस पे आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स जो हैं चॉप करके डालिए और इसे नॉर्मल टेम्परेचर का या फिर फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा आप खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा और नॉर्मल आम पाक से और टेस्टी लगेगा, क्योंकि इसमें हमने चॉकलेट्स डाली है। और अब आप दूसरा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ट्रे ले सकते हैं और उसमें हम इसके ऊपर बटर पेपर जो है वो बिछा देंगे। और इसको हमें मैंगो स्वीट हमें बनाना है तो उसके लिए हम हमारा जो बचा हुआ मिश्रण है वो इसमें डाल देंगे और इसको फिर अच्छे से गार्निश कर लेंगे, जैसे आपकी मर्ज़ी है, या फिर बिना गार्निश के आप इसे ऐसे भी सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मेरे पास चांदी का वर्क रखा था तो वो लगा रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी चांदी का वर्क लगाएं, लेकिन इससे बहुत ही यम्मी दिखेगी हमारी मिठाई, तो अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर लगाइए। और उसके बाद यहाँ पे मैं इस पर टूटी फ्रूटी से गार्निश कर रही हूँ, आप चाहें तो बढ़िया ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं, ये भी टोटली आपकी मर्ज़ी है। और इसको हम करीब करीब अच्छे से पहले टैप कर देंगे थोड़ा, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और करीब 3 से 4 घंटे के लिए इसे हम फ्रीज़र में अच्छे से बिल्कुल सेट होने के लिए हमारी मिठाई को रख देंगे। और ये 3 से 4 घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको हम ध्यान से बाहर निकाल लेंगे और अपनी मनचाहे पीसेस में कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर्स कट कर रही हूँ, ये देख सकते हैं, तो आप इसे बस कट करिए और यम्मी यम्मी एकदम हमारी मिठाई रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड। और इसे अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट करके खाना है
तो 5-10 मिनट बाहर छोड़ देंगे तो ये ऐसे सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर कड़क खाना है तो बिल्कुल आप इसे फ्रीज़र से निकाल के इस तरह से खा सकते हैं। गर्मियों में ये बहुत ही मस्त लगती है, एकदम ठंडी ठंडी। ये देख ही सकते हैं हमारी एकदम टेस्टी मैंगो चॉकलेट बर्फ़ी बनकर रेडी है, और ये 15 मिनट के अंदर ही फ्रेंड बन जाती है, बस सेट होने में इसे टाइम लगता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और हमारे घर का साफ़ सुथरा और अच्छा खाना ही हमें खाना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और देखते रहिए मम्मा फूड कॉर्नर। थैंक यू।